अब नए अंदाज में न्यूज तक। नमस्ते, मैं विचल दुबे। राजनीति से लेकर बिजनेस की हर बात देखिए मेरे साथ। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। इस बार वो टैक्स को लेकर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इलॉन मस्क ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वो इस साल $11 बिलियन यानी करीब 85 करोड़ रुपए टैक्स भरेंगे। ये टैक्स अमाउंट US इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में रिकॉर्ड पेमेंट होगी, यानी इतना टैक्स अब तक किसी अमेरिकन ने नहीं दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 221 में अरबपति इलॉन मस्क को 10 बिलियन से ज्यादा टैक्स बिल देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वो अपने सभी ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद भी उनको $10 बिलियन से ज्यादा का टैक्स भरना पड़ेगा। ये हाई टैक्स तब लग रहा है जब मस्क ने करीब 15 मिलियन के ऑप्शन को इस्तेमाल किया और टैक्स को कवर करने के लिए कई मिलियन शेयर बेच दिए। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर एक पोल किया था। इसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि उन्हें इलेक्ट्रिक कार मेकर का 10% स्टेक बेच देना चाहिए या नहीं। ये शेयर पिछले 5 साल में 2300% से ज्यादा बढ़े थे। ProPublica की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने अपनी प्रॉपर्टी से काफी कम इनकम टैक्स दिया। इस पर टेस्ला के सीईओ ने कहा वो SpaceX या टेस्ला से सैलरी नहीं लेते हैं, वो स्टॉक ऑप्शंस पर 53% टैक्स रेट देते हैं। मस्क ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वो इतिहास में अब किसी भी अमेरिकी से ज्यादा टैक्स इस साल देंगे। इलॉन मस्क जितना टैक्स भर रहे हैं वो रकम कई देशों की GDP से ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक मस्क जितना टैक्स भरने वाले हैं वो दुनिया के छोटे बड़े 80 देशों की GDP से भी ज्यादा है। मस्क की संपत्ति की बात करें तो अभी ये करीब $266 अरब है। वो अपनी कंपनी से नकद सैलरी या बोनस नहीं लेते, लेकिन वो अपनी कंपनी से स्टॉक ऑप्शन लेते हैं जिससे उन्हें टेस्ला के शेयर सस्ते भाव में खरीदने का मौका मिलता है। जब ऑप्शन इश्यू किया जाता है तो उस समय मार्केट प्राइस के हिसाब से उन्हें टेस्ला के शेयर खरीदने का मौका मिलता है। साल 2012 के बाद से इलॉन मस्क को टेस्ला के 2,55,00,000 शेयर मिल चुके हैं। शेयर खरीद करते रहने पर उनका टैक्स कुछ कम हो जाएगा। इलॉन मस्क अपनी कंपनी SpaceX के जरिए अंतरिक्ष के कई बड़े योजनाएं बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। इन योजनाओं को लेकर भी मस्क ने जमकर सुर्खियां बटोरी और हाल ही में उनकी संपत्ति में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। और अब इतना भारी भरकम टैक्स भरने का ऐलान करके उन्होंने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।